मैं सोनिया चौहान, पब्लिक वॉइस से। आज हम खड़े हैं गाला मसाला चीरी के अंदर, जहां पर शकील भाई का एक भंगार का बहुत बड़ा गोडाउन था जिसमें आग लगी है और आग से काफ़ी चीज़ें भस्म हुई हैं। आप मेरे सामने का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, इसे आने के अंदर आने के लिए भी इतनी मुशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर पूरा इलीगल भंगार काफ़ी दिनों से स्टोर किया हुआ है, जिसकी जानकारी हमने बीच में भी यहाँ के सरपंच जी को, नूरुद्दीन जी को हमने दी थी, और हमने उनसे कहा था कि ये हटवाइए सर, ये किसी दिन बहुत बड़ा जानलेवा हमला हो सकता है, किसी की जान हानि पर आ सकता है और ये आग लग सकती है। यहाँ पर ना इनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स है, ना इनके पास कोई फायर सेफ्टी थिंग्स सिलेंडर्स भी अवेलेबल है। सर, आज हम आपके चिरी अहमदनगर में आए थे, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारा कचरा कॉमन प्लॉट पर यूं ही फैलाकर रखा गया है, इसके बारे में आप हमें जानकारी देना चाहेंगे थोड़ी सी? चिरी गाला मसाला अहमदनगर गायत्री नगर तीसरा परत, जहाँ भंगार वालों की बस्ती है, लगभग काफ़ी जगहों पर हमने नोटिस भी दे के रखा है, 15 दिन का 7 दिन का सभी को नोटिस दिया हमारी टाइप का कि भाई आपने आप जगह में जो आपकी पर्सनल जमीन है उसके अंदर आप काम काज करें तो पंचायत को कोई मानना नहीं है। इसके सिवा अगर सरकारी ज़मीन या कॉमन प्लॉट या अन्य दूसरे किसी का खाली प्लॉट में अगर आप कचरे का वितरण करते हैं, आप ला करके वहाँ कचरे का डंपिंग करते हैं, तो उसके लिए कायदे से कार्रवाई होगी। और दूसरी, गाँव में जगह जगह पे जो इसके सिवा भंगार के सिवा जो कचरा डाल देते हैं और लोगों को चलने फिरने के लिए आने जाने के लिए परेशानियां होती है, जिससे तो बीमारी बढ़ती है, इसके लिए भी हमने लोगों से आश्वासन दिया है कि इस टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए। और गांव में जो सफाई अभियान हम लोग चलाते रहते हैं, तो सभी गाँववासियों का फर्ज बनता है कि उसमें हमने साथ साकार दे रहे हैं। जी सर, आप यहाँ पर हमने जो देखा है, जो स्क्रैप का काम चलाते हैं वो इलीगल चल रहा है और उन्होंने सारे रास्ते पर पूरा पूरा स्क्रैप फैला रखा है, जिससे आने जाने के लोगों को भी दिक्कत हो रही है और ना ही कोई सेफ्टी मेजर्स अपनाया जाए। हम जब उनका सर्वे कर रहे थे तो हमने देखा जो फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर्स रखे हैं वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, इस बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। बिल्कुल, हम कायदे से उसको नोटिस दिया जाएगा इसको लेकर के कि इसमें काम आप कीजिए, लेकिन कायदे का पालन करना है, नियमित तौर पे आपको काम करनी है, और गोडाउन को छोड़ करके आप दुकान को छोड़ करके और अगर रास्ते पे आप डंपिंग करते हैं तो अनलीगल है, अनलीगल कहा जाएगा। अगर नहीं कोई यदि मानता है तो कायदे सर उसको एफआईआर किया जाएगा, पुलिस में एफआईआर की करवाया जाएगा उसके लिए, पंचायत करो करवाएगी उसके लिए। जी, और ये जो कचरा फैला रखा है ये कितने दिन लगेंगे इसको साफ करने, क्योंकि आजकल कोरोना की महामारी का बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जिसके चलते लोगों की सेहत बहुत ज्यादा खतरे में आ रही है। बिल्कुल सही है, ये मैं 7 दिन का नोटिस दे रहा हूँ, 7 दिन के अंदर ये साफ सफाई हो जानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं ये भी मानता हूँ कि गांव के जो रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है, क्योंकि ये स्क्रैप वजह से बीमारियां फैलती है, मैं इस बात पे भी सहमत हूँ, क्योंकि सामने हमारे पंचायत भवन के सामने आरोग्य वाले हैं, डॉक्टर भी, आशा वर्कर, इस काफ़ी लोग हमारे पास भी आके इस बात का फरियाद करते हैं कि सर आप इस पर नोटिस दीजिए, उनको बुलाइए, कायदे से समझाइए। और पिछले महीने हमारा वलसाड जिले का आरोग्य सेंटर से काफ़ी डॉक्टर भी आए थे और हमने काफ़ी स्क्रैप वालों को बुला करके भी हमने इस मैटर को लेकर बात किया था कि भाई आप लोग जो स्क्रैप का काम करते हो तो इसके अंदर जो आपकी बाहर आप कचरा डाल देते हो अपने घर के या गोडाउन के सामने जो डाल देते हो उसके अंदर जो कीड़े पड़ते हैं उससे मलेरिया का उसके लोगों को मलेरिया बुखार का सामना करना पड़ता है, इससे लोगों को परेशानी बढ़ती है, इसीलिए आप उसको साफ सफाई करके अपना काम करो, हमें कोई मानदा नहीं इस बात को लेकर। जी शुक्रिया, कैमरामैन मनीष रावल के साथ मैं सोनिया चौहान।